जो ऐतिहासिक कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए गए हैं, कोविड को लेकर के, विकास को लेकर के, और उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के द्वारा चौमुखी विकास हुआ है, आम जन को जिस तरह सुविधा दी हैं और कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम जिस तरह उत्तराखंड के अंदर हुआ, उसके लिए भी मैंने धन्यवाद किया। और मैं कह सकता हूँ कि कोविड में भी हमने भारत सरकार की तरफ से समय समय पर जो कहा वो हमको हर प्रकार से सुविधा मिलती रही, उसका भी धन्यवाद जताया। और उसके कारण मैं कह सकता हूँ कि आज उत्तराखंड के अंदर आज रिकवरी रेट 92% है और पॉजिटिव रेट भी बहुत कम, नगण्य। आज की डेट पे पूरे प्रदेश के अंदर 300 के लगभग पॉजिटिव, तो हम लोगों ने बहुत जल्दी इस पे निजात पाया है। और ऑक्सीजन प्लांट जहाँ पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में नहीं होते थे, बहुत कम होते थे, आज हमने उत्तराखंड के अंदर पूरे जिला हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन प्लांट दिए, साथ में हम नीचे ग्रामीण एरियों में भी CAC तक पहुँचे हैं। और इन 1.5 महीने के अंदर जब से मैं आया, ICU बेड, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर 9 गुना 10 गुना हमने बढ़ाया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम। और जो आने वाला तीसरा वेव की बात करते हैं, उसके लिए हमारी पूरी तैयारी नीचे तक है, ये हमने किया। 500-500 बेड का DRDO की ओर से, भारत सरकार से हमको हॉस्पिटल मिला, उसका भी मैंने स्वागत किया, धन्यवाद किया है अपने भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, गृह मंत्री, धन्यवाद दिया। और उसके कारण हमको बहुत काफ़ी सीमेंट लाभ मिला है। यदि मैं कहूँ कि जो रेलवे कनेक्टिविटी, आज़ाद भारत में पहली बार पहाड़ में ट्रेन चढ़ना, और वो भी ऋषिकेश से लेकर के योगनगरी से और आगे कर्णप्रयाग तक, जो तेजी से काम जिसमें हो रहा है, प्रधानमंत्री जी कृपा दृष्टि, ड्रीम प्रोजेक्ट उनका है चार धाम, ये सारा है। और उसके लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने निवेदन किया है, विनती की है कि वो केदारनाथ का जो वहाँ काम हुआ है, तो उस कामों का लोकार्पण, बद्रीनाथ जी का बड़ा विस्तार एक, और जिसमें 125 करोड़ के लगभग हमको मिल रहा, उसका विस्तार होने जा रहा है, और 500 के लगभग उसके जो है करोड़ की सेकेंड फेज में और आगे जो रहेगा, वो भी मैंने उनका आभार जताया। और मैंने उनको आमंत्रित भी किया है, प्रधानमंत्री जी को, कि आप आए। ऐसा एक इस बीच सभी से रहा है। और रोड़ों को भी जिस तरह गड़की से मैंने मिला माननीय मंत्री से, तो वो भी एक बहुत बड़ा विस्तार, तेजी से काम, नेशनल हाईवे, हाईवे, भारत चार धाम पट खुल गए हैं, पूजा पाठ जारी है, अभी यात्रा पे विराम है। उसके कारण है कि कोविड जिस तरह चरम सीमा पे था, और उस समय पट खुलने थे, पट तो पट हमने विधिवत खोले हैं। राहुल जी भी स्वयं आ गए, क्वारंटीन रहे, जो उसका पालन था वो पालन किया सभी ने। लेकिन अभी जैसे स्थिति ठीक होगी, तो धीरे धीरे हम लोग उस ओर विचार करेंगे। और इतना जरूर है कि चार धाम यात्रा हमारे जो चारों धाम है, तो वहाँ का तीर्थाटन, तो वहाँ का पर्यटन, और वो
आगे धीरे धीरे समय के हिसाब से चलेगा और उसको हम आगे निर्णय लेंगे, लेकिन अभी इतना जरूर है कि पूजा पाठ ये सब चीज़ें विधिवत चल रही हैं और वो तो बाद में देखेंगे।